नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से। शातिर बदमाश पप्पू विश्वकर्मा एनएसए में गिरफ्तार। मदन महल पुलिस ने शातिर बदमाश नरेंद्र उर्फ पप्पू विश्वकर्मा, पिता रमेश चंद्र विश्वकर्मा, 42 वर्ष निवासी काली मठ मंदिर के पास आमनपुर को एनएसए में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पिछले 26 वर्षों में 36 प्रकरण, हत्या का प्रयास, लूट, अवैध वसूली, मारपीट, बमबाजी, अवैध शराब विक्रय, महिलाओं से अभद्र व्यवहार, आर्म्स एक्ट आदि के पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। अब नरेंद्र उर्फ पप्पू विश्वकर्मा को एनएसए के तहत जारी वारंट में गिरफ्तार कर सागर जेल में निरुद्ध कराए जाने हेतु रवाना किया गया है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अभी हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार अभी जिला बदर की कार्रवाइयों का और एनएसए की कार्रवाइयों का एक अभियान चल रहा था, जिसमें लगातार हम लोगों ने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इसी तारतम्य में एक हमारे यहाँ कालीमठ के पास वाला इलाका है, वहाँ का रहने वाला एक नरेंद्र पप्पू विश्वकर्मा, जो अत्यधिक शराब बेचने का, मारपीट करने का, अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध भी उसके कई, इसके अलावा बहुत सारे मारपीट के अपराध भी हैं, लोगों के लिए बहुत ही आतंक का पर्याय बना हुआ था। तो उसके सभी अपराधों को कंपाइल करने के बाद हम